सो गाइस ये रही अपनी गाड़ी। और हेलो जी, देखो हम कहाँ पे आ चुके हैं। ये चेक दिस आउट, कैसा एरिया, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। ये पूछना होगा कि कितना खर्चा या आरटीओ का खर्चा वेस्ट बंगाल का कितना आता है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको कवर करूँगा कि कितना खर्चा आता है। सो गाइस चाय, ये पूरी चाय लगी हुई है। तो हाय गाइस, दिस इज योर बॉय एसके लॉग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस चेक दिस आउट, अपनी गाड़ी आज कहाँ पे है। अपनी गाड़ी है भाई यूपी के अंदर। हम एक्चुअली एमपी पूरी रात में निकले एमपी, तो अभी जस्ट यूपी बॉर्डर क्रॉस करी, तो हम इंटर हो चुके हैं यूपी में। तो अब गाड़ी में डलवा रहे हैं डीजल। सो रात को हम ब्लॉग नहीं बनाते बिकॉज रात में कुछ मज़ा नहीं आता कंटेंट बनाने का, और एक बंदा सो जाता है, एक बंदा अंधेरे में क्या ही ब्लॉग करेंगे, क्योंकि कच्चा लोड है तो हम ज़्यादा रुक भी नहीं सकते। तो इस वजह से बाकी गाइस आपको सब बताते ही हम कहाँ से लौट के कहाँ से जा रहे हैं। तो आज है हमारा सेकंड डे। 52 घंटे में अपनी गाड़ी हम पहुँचाने वाले हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में अपनी गाड़ी की एक डिलीवरी है, सो बाकी माल जाएगा गुवाहाटी में। सो उसके बाद हमें टोटल हमें 72 घंटे मिले हुए हैं। यहाँ पे डीजल सस्ता होता है यूपी के अंदर, बिहार के अंदर भी महंगा है और महाराष्ट्र के अंदर भी महंगा है। बट महाराष्ट्र से हमने एक टैंकी अपने फुल कराई महाराष्ट्र से, और दूसरी हम करवा रहे हैं यूपी से। सो बाकी तो आप देख लो, देखो आप टाइम लैप्स में, डलवाता हूँ डीजल फिर चलते हैं आगे। पड़ गया 28,001 का 319.21 लीटर। तो निकलते हैं भाई यहाँ से, तो गाड़ी कर दी लॉक एंड चलते गाड़ी की सीट पे। ज़्यादातर हम डीजल डलवाते हैं इंडियन ऑयल से, क्योंकि इंडियन ऑयल की डेंसिटी अच्छी होती है, और साथ में आपको डीजल डलवाना भी हो तो सुबह सुबह डलवाना चाहिए। दिन को तो एक्चुअली ह्यूमिडिटी के कारण ना उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, पतली हो जाती है, वेव्स टाइप बन जाती है। तो इसलिए डीजल हमेशा रात में डलाओ या फिर सुबह सुबह जब ठंडा हो जाए टंकी तो तब डलाओ। गर्मी में तो डीजल डलवा के डेंसिटी कम रहती है ज़्यादातर। सो फाइनली गाइस हम पहुँचे बिहार बॉर्डर पे, एंड ये रही अपनी बिहार बॉर्डर। और ये देखो भाई सब गाड़ियाँ कितनी स्लो डाउन चल रही, क्योंकि खड्डे इतने बहुत हैं भाई, एक नंबर दो नंबर। और ये बॉर्डर की रोड है भाई, सबसे गंदी बॉर्डर यही दिखती है हम लोग को आजकल, क्योंकि सबसे गंदे खड्डे इसी में। देखो कितने खड्डे भाई, आराम आराम से गाड़ी जा रही है। सो गाइस ये देखो कितनी कंजस्टेड है, यहाँ पे ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं इस गाड़ी के पीछे। 40 की स्पीड से अपनी गाड़ी चल रही है और हमने कच्चा लोड किया, हमें टाइम ही नहीं कवर होगा इस हिसाब से, तो कहाँ होने वाला है। A few moments later. So hey guys, good morning. Time हो रहा है अभी भाई 8 का, और हम लोग भाई अभी जस्ट पूर्णिया क्रॉस किया। एक्चुअली कल मैं व्लॉग बनाना बंद ही कर दिया क्योंकि बहुत थका हुआ था, और हम आए रात को गाड़ी खाली करी, खाली करके ऊपर की हाइट सारी ख़त्म कर दी भाई। चेक दिस आउट, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे से दिखाता हूँ, पूरी हाइट ख़त्म कर दी। अब हमारी गाड़ी में कोई 15 टन माल होगा। सो खाली करते तरपाल करी, फिर से निकला, बहुत बुरी हालत थी, तो हम सो ही गए, मैं सो गया तो भाई जान चल रहे थे। सो अभी जस्ट उठाऊँ तो मैंने सोचा पूर्णिया जैसे क्रॉस किया मैं उठ गया, और मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते आपके लिए। सो गाइस चलते हैं अभी आगे। सो ये रही अपनी हाइट बिल्कुल ख़त्म, और तरपाल वो भी थी वो उतार के यही एक की है। सो अभी बच गया मैं 550 किलोमीटर गुवाहाटी जहाँ हमने जाना है, और ये रोड रही गाइस, चेक दिस आउट एंड चलते हैं अभी। सो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग आपका, हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई अभी व्लॉग वहाँ से स्टार्ट किया था। सो अभी आपका भाई आज का ड्राइवर सीट पे, एंड चेक दिस आउट, आगे का व्यू एकदम मस्त है। और ये रही छोटी सी दुकान जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान मिलने वाला है। सो हम क्रूज लगा लेते गाड़ी 55 पे अपनी गाड़ी एक ही स्पीड पे चलने वाली है, बिकॉज अपने पास है 15 टन माल, और 15 टन माल हम इसी आराम से निकलने वाले हैं। और पीछे भाईजान पर्दा आगे कर दिया, तो वो अब सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था मुझे उठाएंगे वो 5-6 बजे, बट उन्होंने नहीं उठाया। सो फाइनली मैं उठ ही चुका हूँ खुद ही। सो उठते ही वो चलेगी पीछे, और आपका भाई आ चुका है ड्राइवर सीट पे। और आज पूरे दिन में हमने गाड़ी खींचनी है, और ये देखो मक्की लगी हुई नीचे भाई, आपको अगर दिख रही होगी तो मक्की अच्छी है, और यहाँ का व्यू थोड़ा सा ग्रीन ही है, तो भाई मस्त फील आ रहा है। जस्ट पूर्णिया क्रॉस करते ही मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनानी तो बिल्कुल मस्त है। तो एक हमारे पीछे एक और गाड़ी थी, बट अभी मैं देख रहा हूँ वो आ नहीं रहे, पता नहीं है रुक गए कहीं। सो वो हमारी कश्मीर की गाड़ी है वो भी, और माशाल्लाह ये आ गई मस्जिद, वाह। सो ये अंकल जी जा रहे हैं सुबह सुबह आगे, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सो केले भी आ चुके हैं भाई, यहाँ तो अच्छा व्यू आ रहा है इस जगह का। सो ये रहा मैप,
सो सिलीगुड़ी, सो सिलीगुड़ी के आगे हमने जाना है भूटान, ये साइड पे भूटान एरिया है, सो भूटान एरिया तो हमने जाना सीधा इधर असम गुवाहाटी में। सो गाइस ये रही अपनी गाड़ी और हेलो जी, देखो हम कहाँ पे आ चुके हैं, ये चेक दिस आउट कैसा एरिया, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, और ये ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम वहाँ थे बेंगलोर साइड में थे, वैसा कुछ फील आ रहा है। तो अपनी गाड़ी रही ये, और अभी तक कोई कश्मीरी गाड़ी नहीं है, जो आई थी वो हमारे पीछे ही है, लिफ्ट उठी हुई है, क्योंकि हमारी गाड़ी में 15 टन सिर्फ ये होता है 15 टन, और लाइट्स ऑन। एक बार मैं ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, उससे पहले आप गाड़ी पीछे से भी देख लो, और हम हैं यहाँ से वहाँ से काफ़ी आगे आए, यहाँ से अंदर एक सिटी है और सिटी से हमने बाईपास ले लिया, जो कि इस रोड पे इतनी बढ़िया सी रोड पे चढ़ गए, और मैंने सोचा भाई आपको वीडियो में दिखाई देते हैं भाई कितनी बढ़िया रोड है। एक बार मैं आपको गाड़ी के ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ व्यू, एंड फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं भाई कहाँ पहुँचते हैं। सो अभी हमें बच गया भाई 470 किलोमीटर। सो हेलो, ये देख लो भाई गाड़ी के ऊपर आ चुके हैं, ये देखना ये गाड़ी जा रही है, यस, सो ऐसा कुछ व्यू है ब्रो। सो तरपाल उड़ रही है क्योंकि हमने रस्सा पतला पतला ही मारा है, 1, 2, 3, 4, और ये रहा 5, यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉस क्योंकि आगे से उठती है, बाकी हवा जो जा रही है वो ऐसी जा रही है, तो बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये कि आलू वाली गाड़ी, और भाई इसी के साथ चलते हैं हम नीचे बैठते हैं गाड़ी में, आज चलते हैं आगे। सो गाइस ये जो जगह थी अभी, ये इस्लामपुर बाईपास से हम जा रहे हैं, सो गाड़ी अपने साथ ओवरटेक ले रही है आगे, हमने गाड़ी लॉक लगाई हुई है, एसी रखा हुआ है एक पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं है। सो आगे का व्यू कुछ इस तरीके से, जहाँ हमने जाना है वहाँ 470 किलोमीटर है, सो अभी जस्ट निकले हैं। सो ये रही गाड़ी ओवरटेक कर रही है भाई, अपने लेलैंड का डंपर है भाई, ऊपर फट्टे लगा के एक्स्ट्रा माल लेने के लिए इन्होंने किया हुआ, ये जो इलीगल है, ये रूल के मुताबिक तो ये नहीं होना चाहिए, बट अब कर रहे, अब क्या ही बोले हम लोग इनको। आगे ये झारखंड नंबर गाड़ी है JH10, और JH जो नंबर है वो मिलता जुलता है JK जम्मू कश्मीर से, तो मैक्सिमम हमें ज़्यादातर बॉर्डर्स में हमेशा पूछते हैं भाई कि जो JK नंबर है ये झारखंड का नंबर है, हम बोलते हैं नहीं भाई ये जम्मू कश्मीर का नंबर है, झारखंड का नंबर JH से स्टार्ट होता है। तो जिस भाई को नहीं पता है, तो उन भाइयों को, वैसे तो मैक्सिमम जो अपने को अपनी वीडियोस जो भी लोग देखते हो, बट उनको पता ही है JK नंबर जम्मू कश्मीर का, और हम जम्मू कश्मीर की गाड़ी चलाते हैं क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के हैं। सो JH नंबर लगता है झारखंड का। सो यहाँ का व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, क्या ही बोले, बहुत बढ़िया। सो गाइस चाय, ये पूरी चाय लगी हुई है जो हम पीते हैं चाय, सो असम की चाय ये है भाई, लोग ये चेक मारो, ये खेत हैं, आगे रुकेंगे आपको असम का ये भी बताएंगे, चाय वाला सब बताएंगे, ऐसा नहीं आगे नहीं रुकते हैं फिर। सो गाइज आपके भाई ने सिलीगुड़ी क्रॉस कर दिया, तो टाइम हो गया 10:30 का, तो अब हम फाइंड करेंगे कोई होटल जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश सुबह से नहीं हुआ तो सिलीगुड़ी जस्ट क्रॉस किया, क्योंकि अब हमें सीधी वही सिटी बची है जहाँ हमें जाना है गुवाहाटी में, तो रोड तो बढ़िया है सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक की, इस्लामपुर से रोड बढ़िया ही आई है, पीछे थोड़े खड्डे थे बट आगे रोड बहुत बढ़िया थी। सो सिलीगुड़ी में मैंने व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि दिन को कैमरे पुलिस रहती है, एंड चेक दिस आउट ऐसा नाके वगैरह रहते हैं, सिग्नल लगे हुए हैं, सो इस वजह से, बाकी तो ये देखो राइनो। सो गाइस फाइनली हम काफ़ी टाइम ड्राइव करने के बाद पहुँचे हैं इस जगह पर, चेक दिस आउट यहाँ का व्यू कितना बढ़िया सा, आगे से गाड़ियाँ आ रही एकदम मस्त, सो चेक दिस आउट ये एरिया, और ये रही अपनी गाड़ी। सो यहाँ पे है भाई ये कुछ टाइप का एरिया, और यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा आ रहा है भाई, चिड़ियों का चहचहाना, और हम हैं भाई गुवाहाटी, हमें रह गया यहाँ से 300 किलोमीटर, और भाई यहाँ तो नज़ारा ही नज़ारा आ रहा है। काफ़ी टाइम ड्राइव करने के बाद खाना शाना हमने खा लिया था पीछे ही, सो उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि 200 किलोमीटर विदाउट शूट के निकले हैं, क्योंकि मैं थक चुका था, और यहाँ भाई सोए हुए थे, बार बार तंग करना तो अच्छी बात नहीं, मैंने सोचा एक बार उठेंगे तो फिर ही हम वीडियो बनाएंगे, उससे पहले तो कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी वो जस्ट उठे, मैंने लगाई गाड़ी साइड पे, एंड टायर शायर चेक करने के लिए रुका था। सो भाई ये रही पीछे से अपनी गाड़ी, इधर एक अन्ना गाड़ी खड़ी हुई थी ये वाली, तो तभी मैं भी रुक गया, मैंने सोचा भाई हम भी रुक के टायर शायर भी चेक कर लेते, गाड़ी भी चेक कर लेते, एंड छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हम चलते हैं। सो भाई यहाँ का व्यू एकदम मस्त है, और यहाँ पे स्नेक का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि ये रास्ता ही वही, और साथ में यहाँ पे हाथी वगैरह के भी साइंस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड भी यहाँ पे घूमते हैं जो कि जंगल की प्रोटेक्शन करते हैं, कहीं जानवर ना हो कुछ ना हो।
सो गाड़ी से ज़्यादा घूमना बाहर भी अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से आगे। सो इधर अभी एक और गाड़ी आके रुक चुकी है। सो हम होप सो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ से अभी टाइम हो गया 2:30 और देखते हैं भाई कब तक पहुँचते हैं हम लोग। 300 किलोमीटर शायद 8-9 बजे के करीब हम निकल ही जाएंगे। सो चलते हैं, करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी तो अंदर से ठंडी है। सो लेट्स गो, इंडिकेटर लगा देते हैं, ये गाड़ी निकलेगी फिर हम निकालेंगे। सो निकल चुकी है गाड़ी, इसको हमने वो पीछे से एक्चुअली ओवरटेक किया था। सो वाओ, यहाँ का व्यू एकदम बस बहुत मस्त है। ठंडा ठंडा मौसम, और ठंडे मौसम में लिफ्ट उठा के हम चल रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में कम ही माल है, ज़्यादा माल नहीं है। और ये गई स्कूल की गाड़ी। अरे भाई 5 नंबर इतने इजीली उठा लेती गाड़ी। और अपनी गाड़ी अभी तक चली है 87,254 किलोमीटर, और इस ट्रिप का हमने 2412 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो टोटल ये है 2700 किलोमीटर, क्योंकि 2400 ये हो गया और 300 यहाँ से आ गया, और ये हो गया टोटल 2700 किलोमीटर गाड़ी हम चला के जा रहे हैं। सो ये आ रही है भाई, गाड़ियाँ कितनी सारी आ रही हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया, जंगल जंगल और बाहर एकदम चिड़ियों का चहचहाना, बस वही हैं वगैरह, चिड़ियाँ वगैरह बस, और तो कोई नहीं है। बट यहाँ पे रिस्क भी रहता है क्योंकि जानवर भी होते हैं, दिन को तो नहीं होते, बस होते तो ज़्यादा रात को ही हैं, बट फिर भी। और आगे एक यू कैन सी एक हाथी जा रहा है। सो ये देखो गाय वगैरह कैसे घूम रही है बिल्कुल आज़ाद। और जैसे कि मैं सोच रहा था हाथी मिल जाए, बट हाथी मिला, बट हाथी के ऊपर लोड है कुछ डाला हुआ इन्होंने, पत्ते वगैरह। अरे वाओ क्या व्यू है, बिहार नंबर गाड़ी अपने एरिया में तो बहुत कम जाती हैं। अरे भाई दो हाथी हैं, वाओ ये पत्ते लेके जा रहे हैं। बस यहाँ का व्यू, यहाँ के लोग बस इस टाइप के। तो आगे चल के देखेंगे, आपको चाय का खेत भी दिखाएंगे हम लोग, वहाँ भी रुकने वाले हैं। और ये आगे आगे से अन्ना गाड़ी। तो गाइस हम पहुँच गए असम बॉर्डर पे। सो अभी टाइम हो रहा है भाई 3:40, और न्याम भाई गए भाई एंट्री करवाने, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे गेट का। ये रही बॉर्डर, और यहाँ से हम आए, यहाँ वेट कर रहे हैं हम लोग। सो वो जाएंगे वहाँ से एंट्री करवाएंगे, फिर हम यहाँ से बाहर आउट हो जाएंगे, फिर हम एंटर हो जाएंगे भाई असम में, फर्स्ट टाइम आपका भाई। सो देखते भाई लोग, अभी उधर थे हम, उधर रुके थे, उसके बाद सीधा ब्रेक हमारी इधर ही है। सो वो आ चुके हैं हम भाई एंट्री करवा के। सो निकलते हैं यहाँ से बाहर, फिर रोड पे कहीं रुकते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। गाइस हम आ चुके हैं असम में, और चेक दिस आउट, ये रोड आगे असम की, असम और वेस्ट बंगाल मतलब सेम ही है, बट ये है कि थोड़ा सा बॉर्डर इंटर होते हुए यहाँ के कानून चेंज हो जाते हैं, दूसरी स्टेट आ जाती है, तो इस वजह से। सो फर्स्ट टाइम हमारा इंटर हो रहा है यहाँ पे। सो भाई फील आ रहा है एकदम चकास, एंड आपका भाई चला रहा है गाड़ी, और अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया हम लोग को। सो बहुत अच्छे से इनसे डीलिंग हुई है, डीलिंग होने के बाद हम जा रहे भाई आगे। आगे मिलेगा नाका, नाके पे देंगे पैसे, फिर एंट्री इनको रिश्वत देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत ही, तो फिर हम निकलते जाएंगे अपनी जर्नी को। सो गाइस टाइम हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 12:14, और वी आर स्टिल हेयर। हम पहुँच चुके हैं, ये अपनी गाड़ी पहुँची है भाई। एक्चुअली रोड बहुत ख़राब थी, तो आस्ता आस्ता साथ में बात भी कर रहा था किसी के साथ, तो आस्ता आस्ता मैं आ गया यहाँ पे। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो कल हम नया ब्लॉग बनाएंगे गुवाहाटी में हम लोग। सो इस क्लिप में भाई गाइस यही बताना था कि हम यहाँ पहुँच गए, और ये गाड़ी थी 195 में लगी हुई थी। सो हमने टाइम कवर करके अपनी गाड़ी टाइम पे पहुंचा दिया, 72 घंटे, 4 घंटे तोड़ के भी, फिर भी हमने 72 घंटे में अपनी मंडी कंप्लीट कर दी गाइस। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। और इस क्लिप की, इस वीडियो की, अगर आपको ये पूछना होगा कि कितना खर्चा या RTO का खर्चा वेस्ट बंगाल का कितना आता है, सो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको कवर करूँगा कि कितना खर्चा आता है पुलिस खर्चा, अपनी कहीं से भी आना हो, महाराष्ट्र से आना हो वेस्ट बंगाल का। तब तक गाइस